लेकिन अभी तक का जो इशारा है उसमें अब 15 का फायदा होता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। शशि शेखर जी जल्दी जल्दी कमेंट सर, 15 का फायदा होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। यकीनन जिस तरीके से बाद में बीजेपी ने चुनाव को टर्न करने की कोशिश की, कुछ मुकाबला उनके फेवर में हल्का सा जाता दिख रहा है, लेकिन आप जिस सेफ डिस्टेंस पे खड़ी है मुझे लगता है सरकार वो बना लेंगे। और एक बात ज़रूर दिख रही है इसमें कि आपके जिस तरह आतिशी वगैरह पीछे चल रहे हैं या अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं, अगर यही रिजल्ट में तब्दील हो जाता है तो ये मालूम पड़ जाएगा कि सांप्रदायिकता का हथियार हमेशा काम नहीं आता उन पार्टियों के लिए जो इसके लिए प्रोन नहीं है। नहीं मैं समझी नहीं, आतिशी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठेगा सर? अमानुल्लाह खान के लिए समझ सकते हैं, अमानुल्लाह के लिए कह रहा हूँ। उसके जितने वीडियो सामने आए जिसमें वो खुलकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, वो उस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे से मैच नहीं करता था, और जो दूसरी पार्टी जो जीतेगी उसके सामने अगर जीतती है, ठीक है ये कह रहा हूँ, ठीक है। अमानतुल्लाह के पीछे चलने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप देखिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है, इस बात के शायद इनिशियल संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का विभाजन हुआ होगा, इस वजह से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है क्योंकि कांग्रेस के परवेज हाशमी वहां से खड़े हैं। हाँ, ये भी सही है। लेकिन ये ऐसा माना जा सकता है, लेकिन ये भी तय है कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है उसका कम से कम हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े को हम देखें तो एन मास वो शिफ्ट हो गया था पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ। कांग्रेस जी तकरीबन ये अनुमान है कि 75-77% मुस्लिम मतदाताओं का वोट आम आदमी पार्टी को मिला है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 20-22% अभी भी नहीं मिला। ये 75% पूरे दिल्ली का अनुमान है, लेकिन अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में थोड़ी अलग अलग इसके पोलराइज होने की संभावना है, तो हो सकता है कि अमानतुल्लाह खान की कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा वोट कट के कांग्रेस की तरफ चला गया हो। ये इनिशियल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता, वैसे भी हमें रिजल्ट्स का इंतजार करना है, थोड़ा सा अभी नतीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब 17 का फायदा होता हुआ अंशुमन तिवारी जी, 17 का फायदा होता हुआ दिख रहा है और 17 का नुकसान इधर, गैप घट रहा है और गैप घट रहा है, लेकिन फासला अभी भी बहुत बड़ी बड़ा था आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन अभी ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए अभी इलेक्शन कमीशन की साइड से जो हमको ट्रेंड मिल रहा है वो शुरुआती ट्रेंड है, जैसा हमने कहा था कि शुरुआत के ट्रेंड से अभी एक घंटे और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद स्थिति बेहतर होने की के और नतीजे सामने आने की संभावना। आशुतोष जी 16 का फायदा अभी के रुझानों के मुताबिक? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी जल्दबाजी है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ठीक है आलोक जी। देखिए मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो बाद में जो वोट डलवाया या जो भी तैयारी की उसका फायदा कुछ हद तक इज्जत बचाना, जैसे आप कितनी बार सवाल किए 3 या 13 में, तो 13 से आगे बढ़ रही है, ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी भी अति आत्मविश्वास से लड़ाई कर रही थी। इसे बाद में आपने देखा अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिनों में मतदान के बाद या मतदान के शाम को उनका भी तेवर थोड़ा सा ठंडा हुआ था, उनको भी फीडबैक कहीं मिला होगा, और ख़ास करके उन्होंने भी जो कोशिश की अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों का साथ दे करके उसका नुकसान भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आखिरी दिन उन्होंने खाली हनुमान चालीसा पढ़ लिया, उससे नहीं चलेगा ना, जनता ये जानती है कि आप खाली पढ़ रहे हैं जनता के लिए, वरना कैमरे के सामने क्यों पढ़ेगा कोई, वो तो कहेगा ठीक है ये मेरा व्यक्तिगत मामला मैं घर में पढ़ूंगा। लेकिन उन्होंने बाकायदा वही कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। और बीजेपी ने भी देखिए पूरी ताकत लगाई, यदि उनकी पार्टी पहले से तैयारी करती तो शायद ये बुरी हालत नहीं होती। ठीक है पीको, ये बात लेकिन समझ में क्यों नहीं आई, पहले से तैयारी करती, अगर 6-7 महीने पहले तो बीजेपी ने 65 सीटें विधानसभा के लिहाज से हासिल की थी, तो फिर उसको लगा होगा कि हमारे लिए तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है दिल्ली में। जब ये सोचा जाए कि सारा सब कुछ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर जीतेंगे ये बीजेपी का उनके कार्यकर्ता जो बार बार, जबकि प्रधानमंत्री ने सांसदों की बैठक में, नेताओं की बैठक में, पार्टी की बैठक में कहा भाई आप लोग बाहर जाइए, वो कोई बाहर जब नहीं निकले, आप आश्चर्य करें चित्रा जी जिस एरिया में पटपड़गंज में ये रहते हैं मनीष सिसोदिया, वहाँ पर उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने बिल्डिंग के चौकीदार तक से नहीं कहा कि वोट देना भैया मुझे।